राष्ट्रीय फार्मेसी संघ व डिप्लोमा फार्मेसी संघ के संयुक्त तत्वाधान में जिला अस्पताल के ओपीडी हॉल में विश्व फार्मेसी दिवस के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में राष्ट्रीय फार्मेसी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र शुक्ला ने बताया कि 25 सितंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ लिखकर देता है, जिन्हें लेने के लिए आपको फार्मासिस्ट के पास जाना पड़ता है। इन्हीं फार्मेसियों पर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर जिला संयोजक अनिल कुमार पांडे, मनोज कुमार शुक्ला, विनोद कुमार शुक्ला, सत्यम त्रिपाठी, गिरजा त्रिपाठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय फार्मेसी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र शुक्ला ने कहा, ये जागरूकता की कमी है। फारसी समाज के भाइयों से सीख लेते हुए आज हर साल हर बार 25 सितंबर को इस जागरूकता दिवस को जरूर कितना विश्व में नाम धोने ऊंचा किया मुझे नहीं पता, लेकिन भारत के फार्मासिस्टों ने आज इस बात पे एक बार ताली जरूर भारत के फार्मासिस्टों के लिए लगाई है। मेरा नाम सत्येंद्र शुक्ल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय फार्मेसी संघ। ये बैठक राष्ट्रीय फार्मेसी संघ और डिप्लोमा फार्मेसी संघ के संयुक्त तत्वाधान में इंटरनेशनल फार्मासिस्ट फेडरेशन जो हर वर्ष एक थीम तय करती है फार्मेसी के विकास और लोगों के चिकित्सा क्षेत्र में फार्मेसी के योगदान को प्रचार और प्रसार के लिए आज का दिन 25 सितंबर का दिन विश्व फार्मेसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भी हमारे देश में रीजनल ड्रग थेरेपी ना होने की वजह से फार्मासिस्ट को सिर्फ एक मात्र कंपाउंडिंग सब पर्संस के तौर पे जाना जाता है, जबकि 70 के दशक के बाद ही कंपाउंडिंग पर्संस ख़त्म हो गए और टेक्निकल पर्संस फार्मेसी अफसर्स यहाँ पे पोस्टेड हुए। आज भी हमारे देश में लोग फार्मेसी में मेडिकल स्टोरों में बहुत सारे फार्मासिस्ट ना होने के कारण दवाओं के रख रखाव, दवाओं के यूजेज, दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं जान पाते, जो एक मरीज का लीगल राइट्स होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स दवा लिख देते हैं लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स उन्हें नहीं बताते। इसलिए आज की ज़रूरत है वर्तमान समय में कि मरीजों को क्लिनिकल फार्मेसी, जो पूरे विश्व में लागू है लेकिन भारत में अभी इम्पोज नहीं हो पाई है पूर्ण तरह से, जिसके लिए PPR एक्ट 2015 लागू किया गया, लेकिन अभी भी भारत में डॉक्टर्स ही क्लिनिकल फार्मेसी का कार्य कर रहे हैं। उसके प्रचार प्रसार हेतु आज विश्व फार्मेसी दिवस के तौर पर इंटरनेशनल फार्मेसी फेडरेशन द्वारा निर्धारित तिथि को ये एक विचार गोष्ठी के रूप में मनाया जा रहा है।